हेलो दोस्तों, आप जरूर यहाँ पे क्रोम ब्राउजर को इस्तेमाल करते होंगे, चाहे वो यूट्यूब चलाने के लिए, फेसबुक चलाने के लिए या फिर कोई भी सर्च आउट करने के लिए। बट आप सभी को 110% ये ट्रिक पता नहीं होगा, ये फीचर्स पता नहीं होगा। इसके साथ साथ अगर आप इस फीचर्स को जान लेते हो, जो कि आज के शुरू में बताने वाला हूँ, आज के शुरू में बहुत ही गजब का मैं ट्रिक बता रहा हूँ, जिसकी मदद से आपका जो अकाउंट है, आपका जो फोन हैक होने से बच सकता है। इसी के साथ साथ आपको जो भी प्राइवेसी है वो ब्रेक नहीं हो सकता, मतलब आपको वीडियो एंड तक देखना चाहिए, तभी आप यहाँ पे जान पाओगे कि कौन से फीचर्स को आप इनेबल करके रखना है, इसी के साथ कौन से फीचर्स को, कौन से ऑप्शन को आपको डिसेबल करके रखना है, पूरा डिटेल जान सकते हो आप सिर्फ और सिर्फ सिंगल इसी वीडियो से। तो दोस्तों, अगर आप यहां पे सीख लेते हो, जान लेते हो आज के इस वीडियो के पांच ऐसे हिडन ट्रिक्स, हिडन फीचर्स, तो डेफिनेटली आप अपने फोन को हैक होने से, इसी के साथ साथ आप अपने फोन को बैटरी को खत्म होने से बचा सकते हो। तो गाइस, कौन सा ऐसा फीचर्स है, पूरा डिटेल जानने के लिए इस वीडियो आप एंड तक बने रहे। तो दोस्तों, आपको सिंपली साइड में स्क्रीन शो करना पड़ेगा ताकि मैं आपको कंप्लीटली प्रोसेस समझा पाऊं और आपको यहां पे फीचर्स बता पाऊं। तो दोस्तों, सिंपली आपको यहां पे क्रोम ब्राउजर ओपन करना है, उसके बाद यहां पे आपको डॉट देखने को मिलता है, थ्री डॉट। तो गाइस, सिंपली आपको उस पर टैप करना है। टैप करने के बाद यहां पे आपको बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिलता है। यहां पे आपको सेकंड ऑप्शन देखने को मिलेगा सेटिंग्स का। तो गाइस, जब आप इस पर टैप करेंगे, टैप करने के बाद यहाँ पे आपको सिंपली स्लाइड करना है। यहाँ पे आपको बेसिक्स इन्फॉर्मेशन या कह सकते हो बेसिक्स सेटिंग्स अवेलेबल है, जैसे कि सर्च इंजन, इसी के साथ साथ पासवर्ड। यहाँ पे आपको फोर्थ ऑप्शन देखने को मिल जाएगा इस सेक्शन में, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी का। तो गाइस, सिंपल आपको इस पर टैप करना है। टैप करने के बाद नंबर वन आपको सिंपल यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, ऑलवेज यूज सिक्योर कनेक्शन। तो गाइस, ये जो ऑप्शन है ये आपको यहाँ पे इनेबल करना है। मैं आपको बता देता हूँ इससे होगा क्या, तो आपका अपना फोन हैक होने से बच सकता है, इसी के साथ साथ आपको जो प्राइवेसी पॉलिसी है वो ब्रेक होने से बच सकता है, कोई और यूज नहीं कर सकता आपके प्राइवेसी को या कह सकते हो आपके डिटेल को। इसी के साथ साथ बात करते हैं सेकंड ट्रिक या कह सकते हो सेकंड ऑप्शन के बारे में। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है, सेफ ब्राउजिंग। इसी सेक्शन में, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी के सेक्शन में देखने को मिल जाता है सेफ ब्राउजिंग। तो गाइस, सिंपल आपको उस पर टैप करना है। टैप करने के बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है तीन ऑप्शन, इनहेंस प्रोटेक्शन, इसी के साथ साथ स्टैंडर्ड प्रोटेक्शन, यहाँ पे नो प्रोटेक्शन। तो गाइस, मैं आपको बता दूं, अगर आपने यहाँ पे किसी भी तरीके से सेटिंग नहीं करोगे तो डेफिनेटली बाई डिफॉल्ट आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड प्रोटेक्शन देखने को मिलता है। तो गाइस, सिंपली आपको पहला ऑप्शन पे टैप करना है, इनहेंस प्रोटेक्शन पे। इसकी मदद से आपको जो सेफ ब्राउजिंग है, जो भी आप सर्च करोगे वो सही तरीके से, जो भी पॉपुलर ये कह सकते हो जो भी सही वेबसाइट होंगे, सिर्फ और सिर्फ वही देखने को मिलेगा, आपका प्राइवेसी ब्रेक नहीं होगा। तो गाइस, अब बात करते हैं थर्ड ऑप्शन कैसे तो ट्रिकी। तो गाइस, इसी सेक्शन में आपको देखने को मिल जाता है डू नॉट ट्रैक का ऑप्शन। तो गाइस, सिंपली आपको उस पर टैप करना है। टैप करने के बाद यहाँ पे आपको इनेबल कर लेना है। अगर आप यहाँ पे इनेबल कर लेते हो तो डेफिनेटली आपका यहाँ पे जो भी डाटा है सिर्फ और सिर्फ आपको आपके फोन को ही पता होगा, आपके फोन हिस्ट्री में सेव होगा, कोई और इसको यूज नहीं कर सकता, आपके डाटा को कोई भी इस्तेमाल नहीं कर सकता अपने बेनिफिट के लिए। इसके साथ साथ बात कर लेते हैं फोर्थ फीचर, फोर्थ ऑप्शन या ट्रिक की। तो गाइस, आपको सिंपली सेटिंग्स ऑप्शन में आना है, जो कि आपने प्राइवेसी पॉलिसी के जस्ट बाहर आ जाना है। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है सेफ्टी चेक्स का। सिंपली आपको उस पर टैप करना है। अब यहाँ पे आप देख सकते होंगे, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है अपडेट्स, पासवर्ड एंड सेफ ब्राउजिंग। सिंपली आपको चेकनाउट पे टैप करना है। चेकनाउट पे टैप करने के बाद आपके सामने अगर यहाँ पे टिक का, तीनों पे टिक का नजर आ जाएगा साइन, तो डेफिनेटली आपका यहाँ पे जो सेफ्टी चेक है बिल्कुल अप्रूवल हो चुका है, मतलब आपके फोन के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते होंगे अपडेट के सामने टिक है, इसी के साथ पासवर्ड और यहाँ पे सेफ ब्राउजिंग के सामने भी टिक है, मतलब आपके फोन में कोई भी खतरा नहीं है, आपके फोन को कोई भी हैक नहीं कर रहा है। बिकॉज डेफिनेटली आप यहाँ पे टाइम टू टाइम सेफ्टी चेक चेक करते रहिए, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा, तभी आप अपने फोन को सिक्योर कर पाओगे। इसी के साथ साथ अब बात कर लेते हैं फिफ्थ ऑप्शन या कैसे तो फिफ्थ ट्रिक के बारे में। तो गाइस, अगर आपको अपने फोन के बैटरी को बचाना है तो उसके लिए आपको सिंपली थीम पर टैप करना है। जस्ट नोटिफिकेशन के नीचे ऑप्शन अवेलेबल है, जब आप इस पर टैप करेंगे तो यहाँ पे आपको सेट डिफॉल्ट ऑप्शन देखने को मिल जाता है, और इसी के साथ साथ लाइट एंड डार्क। तो गाइस, सिंपली आपको डार्क मोड पे टैप करना है। तो इसके वजह से, लाइट मोड की वजह से आपका जो बैटरी है वो ज्यादा कंज्यूम होता है, ज्यादा खर्च होता है, तो डेफिनेटली आपको पे डार्क पे सेलेक्ट आउट करना है। अगर आपने सेटिंग नहीं करा होगा तो डेफिनेटली आप सिस्टम डिफॉल्ट ही देखने को मिलेगा अगर आप इस सेक्शन में आओगे तो। तो दोस्तों, कुछ ये इंपॉर्टेंट ट्रिक्स, कुछ ये इंपॉर्टेंट ऑप्शंस अवेलेबल थे क्रोम ब्राउजर में। कैसी आपको जानकारी लगी, कैसी आपको ट्रिक लगी, प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ साथ अगर आपको इस वीडियो से मदद मिली हो तो गाइस प्लीज अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो गाइस, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।